नमस्कार, आपको बहुत बड़ी खबर देते हैं। जिस चीज का इंतजार था गुड़गांव लोकसभा सीट का, कांग्रेस कब उसकी घोषणा करेगी, तो हमारे दर्शकों को बता देते हैं, गुड़गांव से राज बब्बर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और कहीं कैप्टन का पत्ता कट गया है, कैप्टन अजय सिंह यादव भी दौड़ में थे और कितने दिनों से टिकट रुकी हुई थी, कभी की घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों रुकी टिकट, क्या वजह हुआ, और आज जाकर के कहीं के कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा हुई है गुड़गांव लोकसभा से कि अब राज बब्बर मैदान में है, राज बब्बर को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है, उसके क्या राजनीतिक फायदे होंगे उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और लगातार राव इंद्रजीत सिंह अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक के बाद एक कार्यालय खोल रहे हैं और उन्होंने नामांकन भी कर दिया लगातार, यानी कि, और ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार की आज घोषणा हुई है 30 तारीख को, तो आप समझ सकते हैं नामांकन में कुछ ही समय बचा है और ऐसे में चुनाव प्रचार किस तरीके से होगा वो देखना होगा, और कैप्टन खेमे में कहीं ना कहीं जो है मायूसी होगी, किस तरीके से वो टिकट के इंतजार में थे, नहीं मिले और कई दिनों से कांग्रेस ने टिकट को रोका हुआ था। और बात करने के लिए हमारे साथ है विनय यादव और प्रवीण राव और बॉबी जी, दोनों से बातचीत करेंगे। विनय जी, क्या मानते हैं, क्या इतनी देरी हुई, और हुई तो राज बब्बर की करनी थी तो उसी वक्त कर देते कैप्टन अजय सिंह यादव की, नहीं करनी थी तो? मोहन जी देखिए, हरियाणा के टिकट वितरण में आप माने तो अधिकांश जो दबाव और जो रणनीति काम करिए वो हुड्डा साहब की है, क्योंकि जिन जिन भी सीटों पर हुड्डा साहब अपने अपने कैंडिडेट उतारना चाहते थे वहां वो पूर्ण रूप से सफल रहे हैं, जिसका प्रभाव पीछे जो आठ टिकटों की घोषणा हुई वहां भी आपको देखने को मिला होगा। गुड़गांव लोकसभा के लिए पहले कैप्टन अजय यादव ने जो अपने एक दो बयान दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वो बिल्कुल ही मतलब आप मान से पार्टी की लीक से हटकर थे। किसी भी पार्टी में अगर कोई भी नेता इस तरह के बयान देता है तो वो उस पार्टी उन बयानों को बर्दाश्त नहीं करती है, और ये सबसे बड़ी वजह रही। कैप्टन साहब खुद कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो लिख कर देकर आए थे हाईकमान को, अगर मेरे स्वास्थ्य की वजह से चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। मगर बाद में जैसे जैसे प्रथम चरण का चुनाव हुआ, शहर देश के अंदर ये लगने लगा और कांग्रेस की धीरे धीरे लहर बन रही है और इंडिया गठबंधन सफल रहा है, अब उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कैप्टन साहब की महत्वाकांक्षा फिर से जागने लग गई, या उनके जो समर्थक थे या रिश्तेदार थे जो भी थे उन्होंने कहा होगा कि आप इस तरह के बयान देकर अपनी राजनीति खराब कर रहे हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा फिर से जागी और वो टिकट लेने की दौड़ में रहे। अब यही सबसे बड़ी वजह है। अब टिकट आठ टिकटों की घोषणा होने के बाद यहाँ जो नौवीं टिकट थी गुड़गांव की उसको रोक लिया गया, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है उसके लिए लालू प्रसाद यादव फैमिली की तरफ से पूर्ण दबाव डाला गया होगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर, अब इस टिकट को कैसे भी करके कैप्टन साहब को दिलवाया जाए, मगर वो सफल नहीं हो पाए। हुड्डा साहब ने अपनी जो दम था वो एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस में दिखा दिया है। कांग्रेस अगर हरियाणा में है तो हुड्डा के दम के ऊपर है और वो आज वो सिद्ध भी हो गया। चलिए सिद्ध हो गया, लेकिन दूसरा सवाल ये कि राज बब्बर को टिकट मिली है तो क्या लगता है ये सीट निकल पाएगी या फंस जाएगी, किस तरीके के आसार लगता है, क्योंकि बरोबर में कद्दावर नेता जो है कहें कि छठी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, पांच बार ऑलरेडी वो गुड़गांव से सांसद रहे हैं, तो उनके सामने राज बब्बर चुनौती दे पाएंगे या कैप्टन को टिकट मिलती वो चुनौती दे पाते, थोड़ा सा आपका क्या? देखिए मोहन जी, पहले भी मैंने आपसे कहा था अगर टिकट कैप्टन साहब को मिलती है तो चुनाव चुनाव के तरीके से लड़ा जाएगा, उसके अंदर कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि इस बार का जो एक तो लोगों की जो लंबा 10 साल का शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का हो गया, लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं काम के मुद्दे पर, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, युवा तबके की जो राय थी वो अलग तरह की थी। मैं ये नहीं कहता अहीर नेताओं में राव इंद्र सिंह का कद बहुत बड़ा है, अपने इलाके के लोग जब बेशक उनको कम मानते हो मगर वो अन्य कहीं हरियाणा में या अन्य जगह जाते हैं तो उनको एक बहुत अच्छी खासी तवज्जो मिलती है और उनके कद को बढ़ा रखा जाता है। मगर क्या है, अब इस बार जो विरोध की लहर चल रही थी, जैसे राजपूत समाज विरोध में था और मुस्लिम वोटें नहीं आती, तो उसको देखते हुए अगर कांग्रेस से कैप्टन अजय यादव चुनाव में आते तो वो कड़ी टक्कर दे सकते थे, मगर राज बब्बर हमारे यहाँ के स्थानीय नेता नहीं है तो ये सबसे बड़ा नुकसान उनको यहाँ का रहेगा। कैप्टन अजय यादव के लड़के विधायक थे तो विधायक होने के नाते वो अपनी विधानसभा से अच्छी खासी वोट ले सकते थे और उनका वेटो में बढ़त मिलती और एक स्थानीय होने का मुद्दा था वो खत्म हो जाता, पर अब ये मुद्दा अहम रूप से हावी रहेगा, विकास के और अन्य सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, अब मुद्दा एक होगा अहिरवाल की जनता के लिए, अहिर सांसद हमने बनाना है। दूसरा,
अहीर सांसद के साथ साथ और जो मेवात के भी जो लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, अगर कांग्रेस के लोकल नेता किसी को टिकट मिलती तो वहां पलायन वो कर सकते थे। अब जिनसे भी राव साहब की नजदीकी है मुस्लिम वोटरों के नेताओं की, वो अपने उस नजदीकी को खराब नहीं करना चाहेंगे, तो उनकी आशा राव साहब में बरकरार रहेगी। तो देखिए बॉबी राव जी भी हमारे साथ है, राव के समर्थक है, कहीं ना कहीं चेहरे पे खुशी कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि अब जो कंटास्ट मुकाबला था वो कहीं ना कहीं नहीं है। गुड़गावा की सीट पर राज बब्बर को खड़ा किया है, तो राव के लिए बड़ा फायदा मान रहे हैं बॉबी राव जी। आप कैप्टन होते तो टक्कर होती, लेकिन अब नहीं है, शायद एक तरफा हो गया चुनाव, लगता है आपको ऐसा? मोहन लाल जी, ये सब परसेप्शन बना रखा है मीडिया ने, आप लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी डिबेट में बार बार कह चुका हूं कि अगर आप कप्तान साहब को भी लें या यहां से और भी किसी कांग्रेस को लीडर को लें, तो ये बड़ी लंबी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी लीडर के, किसी भी नेता के पास वर्कर ब्लॉक लेवल पे भी नहीं है, गांव की तो बात भूल जाओ। राव साहब का यहाँ पे परिवार, क्योंकि उनकी पारिवारिक राजनीति यहाँ पे हरियाणा में काफी दशकों से है, तो उस कारण से राव साहब का जो वोट बैंक है गांव गांव तक, बड़े राव साहब के जमाने से, राजा राव वीरेंद्र सिंह के टाइम से गांव गांव से वर्कर है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि राव साहब का जो प्लस पॉइंट है राव साहब के वर्कर और राव साहब की अपनी निजी वोट। और चूंकि वो खुद, उनका ये छठा इलेक्शन है जो लड़ रहे हैं एमपी का, सांसद का, तो सांसद का एक बहुत लंबी पारी होती है मोहनलाल जी। इतने लंबे समय के अंदर इंसान कोई भी हो, 10-15-20 साल के अंदर जो राजनीति एक ही क्षेत्र से 25 साल तक करेगा, तो वो अपना वोट बैंक बढ़ाता ही है। राजनीति बढ़ी है, उनका भी तो राजनीति कद बढ़ा है, ऐसी नहीं है मोहनलाल जी। कप्तान साहब सिर्फ एक रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र तक सीमित थे। मैं पहले भी एक बार चर्चा हुई थी, चर्चा में बात चली थी, बात आई कि भाई यहाँ पे लीडर नहीं बढ़े, सारा फ्रेम मिल गया हमारा। तो आपने पहले भी चर्चा चली थी, एक बार बताया था, नहीं जी कप्तान साहब का परिवार ज्यादा बड़ा है कर्नल साहब का। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि कर्नल साहब यहाँ से 2 बार सांसद रहे थे, कर्नल साहब यहाँ से मंत्री, केंद्र में मंत्री रहे थे, सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। कर्नल साहब के गुजरने के बाद एक कर्नल साहब ही थे जिन्हें टक्कर दी थी रामपुर हाउस को, क्योंकि उनके भी वोटर्स और उनके भी सपोर्टर्स गांव गांव में थे, कर्नल साहब का भी गांव गांव में था। मगर 2010 की डीलिमिटेशन होने के बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग से ही बिल्कुल बन गई और मेवात के 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जोड़ दी गई है, तो उससे राव साहब की मजबूती आई है भाई। दोनों बार पहले देखिए बॉबी राव जी, दोनों बार पहले राव अभय सिंह जी ने भी हराया है राव वीरेंद्र सिंह को, ऐसा मत करो ना, उनके परिवार से कैप्टन के भी हराया है। इलेक्शन में हारती चलती है। 2019 में भी राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक सुनील मुसेपुर हारे हैं, लेकिन जो चीज है, अगर कंटास्ट होता है, लेकिन 2019 का असली बीजेपी नकली बीजेपी में मैच था। दूसरी बात, आपको शायद आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपको ज्ञान होना चाहिए कि कप्तान साहब ने वो भी एक फिक्स मैच खेला था कापड़ीवास जी से, कापड़ीवास जी उनके बड़े नजदीकी रिश्तेदार हैं। कापड़ीवास जी जो है रणधीर सिंह कापड़ीवास, वो कप्तान साहब के बड़ी नजदीकी रिश्तेदार है, तो जब उनको टिकट नहीं मिली कापड़ीवास जी को, तो भाई आप अपना रिश्तेदार बनाना था ये, तो ऐसी कापड़ीवास जी में क्या बात थी कि 5 साल बाद उनको हाय बीजेपी पुकारते रहे और 5 साल बाहर पड़े रहे और फिर दोबारा चुपके से घर आ गए और घर भी आ गए, अब तो अब भी कहीं नजर नहीं आ रहे। मेरा मूल सवाल ये है, राज बब्बर को देख करके कहीं कांग्रेस ने बड़ी गलती कर ली, आप मानते हैं? सर ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, राज बब्बर को दो, शाहरुख खान को दो, कप्तान अजय सिंह को दो, रणधीर सिंह कापड़ीवास को दो, इट इज देयर मैटर। हमें राव इंद्रजीत सिंह की राह आसान हो गई। सर हमारी राह, हमने राह आसान पहले नहीं बताई थी, हमारे वर्कर मैदान में है, हमारे वर्कर मैदान में मेहनत कर रहे हैं पिछले काफी समय से मेहनत कर रहे हैं। तरीके से बीजेपी के, देखिए पहले राव का बयान आया था, आए तो वेलकम, बीजेपी के नेता नहीं मदद कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बिल्ली के भाग का छिका टूट गया, अब राज बब्बर आ गए, अब उनकी जरूरत भी नहीं है आपको मेरे ख्याल से। सर मुझे आप एक बात बताइए मोहनलाल जी, राव साहब 2 दिन से रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, 2 दिन के अंदर राव साहब ने काफी मीटिंग्स ले ली है, तो मुझे आप ये बताइए
कि जिन जिन जो तथा कथित आप जो बीजेपी लीडर्स की बात कर रहे हो, किसकी शक्ल दिखी, किसने कोई एक मीटिंग में था, वो अगर मीटिंग में हो, वो इनसे जो मीटिंग में भीड़ आ रही है वो उनकी आधी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। मुझे बताइए, मैंने आपको पहले कहा था जो जो बीजेपी के कार्यालय में पोस्ट बैरियर थे, वो जो पहले हाजिर थे, वो आज भी हाजिर है, वो आज भी काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे इनका कोई ब्लॉक प्रमुख हो, जो भी हो, वो आज भी काम कर रहे हैं, पहले भी काम कर रहे थे। तो चलिए पढ़ा है सर, विनय जी क्या लगता है राव को इसका फायदा मिलेगा? मोहन जी, निसंदेह रूप से राव साहब को इसका फायदा मिलेगा, उनका जीत का मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि हमारे स्थानीय नेता है राव साहब, अब जिन लोगों की वोट देने की मंशा नहीं थी वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और जो इनके राजनीतिक रूप से जो विरोधी थे, चाहे वो पार्टी में थे या अन्य जो प्रत्यक्ष रूप से थे, वो भी अब कुछ समय के लिए शांत बैठना पसंद करेंगे। नहीं, एक और सवाल मेरा, जिन्होंने राज बब्बर को टिकट दिखाई है, क्या वो अपना दम दिखाएंगे? पार्टी के लोग, कैप्टन को टिकट मिली नहीं है, क्या लगता है कैप्टन चुनाव में उस तन मन धन से लगेंगे? मोहन जी, बड़ी राजनीति में जो पुराने और बड़े नेता होते हैं उनकी पक्ष विपक्ष के साथ कई तरह की इंटरनल बातचीत और सेटिंग होती है, आप मान के चलिए बड़े जो राजनेता होते हैं वो अपनी अपनी सीट निकालने के लिए इंटरनल रूप से कई आंतरिक समझौते करते हैं जो जनता की निगाह में नहीं होते हैं, तो अब किसका क्या मैटर रहा है वो सब चलता रहेगा, बाकी ये आप मान के चलिए पार्टी के जो मैटर। विनय भाई मैटर बोलो ना कि भाई अगर अगर भूपेंद्र हुड्डा को अपना लड़का हरवाड़ा है तो वोट मांगने गए आके, बोलते क्यों नहीं हो? नहीं, आपको आपको डर किस बात का, बताइए ना भाई, आपके आपके कांग्रेस पार्टी के लीडर है, अरे जब हम बोल सकते हैं मुखालफत में आप मुझसे बोलते हो तो आपको बोलने में क्या जा रहा है भाई? आप, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि भाई क्या आप दीपेंद्र को फिर दोबारा हरवाड़ा चाहते हैं क्या? तो भोगेश भाई, मेरी बात जो इशारों में थी आपने स्पष्ट रूप से कह दी ना, इशारों में नहीं, क्या आप दीपेंद्र हुड्डा को फिर से हरवाड़ा चाहते हैं क्या? एक बार फिर हो जाए। लेकिन लेकिन जो राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं उसका तो कहीं ना कहीं डेंट लगेगा, वो दोनों तीन तीन यात्रा कर चुके हैं, लगातार लग रहे हैं कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो को लेकर के, जिस तरीके से राव ने भी आज हमने आपको बयान दिखाया होगा, 400 पार को लेकर के भी बयान दिखाया होगा, तो राव का भी तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है ना कांग्रेस को लेकर के। तो देखिये, लगता है बॉबी राव जी जुड़ गया आदि, मैं ये पूछ रहा हूँ, राव का भी सॉफ्ट कॉर्नर है, बयान सुन लिया होगा 400 पार को लेकर के भी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के भी, लेकिन राहुल और प्रियंका जिस मेहनत से लड़ रहे हैं, नहीं लगता ये सीट जो आ रही थी कांग्रेस की झोली में वो कहीं ना कहीं चली गई, राज बब्बर को उठा से नुकसान बड़ा हो गया? नहीं सर, गुड़गांव की सीट कभी भी कांग्रेस की झोली में नहीं थी, ये आप गलत कह रहे हैं, गुड़गांव की सीट कांग्रेस की झोली में नहीं थी, कांग्रेस में नहीं, जब तो थी कांग्रेस की झोली में भैया सर। हाँ, जब राव थे, जब कांग्रेस की झोली में थी, दरअसल क्या था कि राव साहब के खिलाफ कोई आप मजबूत जो कैंडिडेट कह रहे हो, वो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्कर चाहिए, गांव-गांव वर्कर चाहिए, ब्लॉक वाइज वर्कर चाहिए, पार्टी के कैडर से आप इतना बड़ा इलेक्शन सवाल कर रहा हूँ, राज बब्बर के साथ ही वर्कर मिलेंगे या जिन्होंने टिकट दिलाई है वो आकर के यहाँ राज बब्बर को जिताने के लिए दमखम दिखाएंगे अपना? अब तो जी, वो तो राज बब्बर जाने बेचारा क्या क्या बोलेगा, 5-4 जून को, 5 जून को तो जब उनसे टोपी राज बब्बर के सर पे रख दी, दबा दी, जो राहुल मेहनत कर रहे हैं लगातार, और किसने घेरा उसको, राहुल गांधी को किसने पाठ पढ़ा, कितनी पूरी राजनीति की गई है, किस तरीके से लगता आपको? अब ये तो जी इनका इंटरनल मैटर है, मोहनलाल जी मैं क्या बताऊं, इंटरनल मैटर है, चलते चलते मैं विनय जी का चाहूंगा, कई बार है राजनीतिक रूप से हुड्डा साहब का कांग्रेस में हरियाणा में बहुत बड़ा कद है और उनकी रणनीति बड़े काम करती है, और कई बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता होता है फिर भी एक सीट को गवा कर वो अन्य कई सीटें निकालना ज्यादा महत्व समझते, ज्यादा पसंद करते हैं, अब वो किस उन्होंने प्लानिंग पे काम किया है वो तो वो बता पाएंगे, बाकी ये बिल्कुल तय है जो बॉबी भाई ने बात कही थी, अगर रोहतक वर्सेस गुड़गांव चुनाव नहीं उड़ जाना चाहते थे तो इसलिए दोनों तरफ से एक शॉर्ट पारी खेली गई है, अब ये बिल्कुल प्रयोग उनका सफल रहे और किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में बलि कैप्टन की ले ली, अब ये कप्तान साहब जाने तो क्या पता है, मैं वही पूछ रहा ना आपसे, कप्तान को यानी कि बढ़ा दिया बकरी का बल्ला, कप्तान साहब ने आज से 4 महीने पहले भी बयान दिया था, देखो मुझे कोई पर्सनल अटैक तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं तो कप्तान साहब का एक बयान बता रहा हूँ, बयान कप्तान साहब ने कहा था मेरा पार्टी में दम घुट रहा है,
कांग्रेस पार्टी में दम घुटता है, खुली हवा में आ गया, अब तो दम नहीं घुटेगा। हाँ अभी अभी आप कल पूछ रहा कप्तान साहब से कि कप्तान साहब अब तो आप खुली हवा में हो, देखेंगे कब तक आएंगे कप्तान साहब यहाँ पर, क्योंकि अब टिकट की घोषणा हो गई है, राजबब्बर को टिकट मिल गई है, तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत खेमे में भी एक बड़ा उत्साह होगा बड़ा, यानी कि हमें उत्साह तो हमें जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था हमें तो उत्साह उसी दिन से है, हमें इसका कोई वो नहीं था कि हमारे सामने कैंडिडेट एक्स आए थी वाई आए, हम इलेक्शन जी कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते क्यों समापन करेंगे? नहीं मोहन जी कहना कुछ नहीं है, बॉबी भाई का प्रसिद्ध केंद्रीय था वो उनके समर्थक है, बाकी अब क्या है जनता की राय धीरे धीरे बदल जाएगी, क्योंकि अब जो मुद्दा रहेगा वो अहीर सांसद और क्षेत्रवाद का रहेगा, जो हावी रहेगा, अन्य जितने भी मुद्दे हैं वो सारे इसके पीछे छिप जाएंगे, गौण हो जाएंगे, तो अब चुनाव एक नए तरीके से नए से उससे लड़ा जाएगा। किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को खड़ा कर पाएगी, ये तमाम दोनों थे हमारे साथ जो गुड़गावा की टिकट पर हमने विश्लेषण किया, चलते चलते बता दे राज बब्बर को गुरुग्राम लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, उसी को लेकर के हमने चर्चा की है, अब क्या समीकरण बनेंगे, जिन्होंने राज बब्बर को टिकट दिलाई है क्या वो यहाँ चुनाव लड़ाने आएंगे, कैप्टन अजय सिंह यादव कितनी मदद राज बब्बर की करेंगे, कांग्रेसी जो कार्यकर्ता वो कहां से आएंगे, कहीं ना कहीं कहें कि राव की झोली में ये सीट आ गई है और कांग्रेस एक बड़ी गलती कर चुकी है, जो हमारे जिस तरीके से विश्लेषण में सामने आया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़ी गलती कर गई है और इस गलती का खामियाजा कैसे भुगता जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि अब राज बब्बर को मैदान में उतार दिया है, अब चुनावी सरगर्मियां क्या होगी, किस और करवट बदलेगा, ये तमाम चीजें देखनी होगी। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।